लाहौर में रहते हुए अगर किसी ने ये जगह विजिट नहीं की तो फिर उसने क्या किया है यार। मतलब लाहौर के मतलब ऐसे इलाके में इतने इतना पुरफजा मकान नहीं मिल सकता यार। कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी आप हिली एरिया में आए हुए हैं। बिल्कुल जैसे किसी जजीरे पे हैं आप। इधर देखें ना लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल आपको जो है वो दरिया रावी बहता हुआ नज़र आ रहा है। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं दरिया रावी के किनारे मौजूद कामरान की बारादरी पर। ये वो जगह है जिन्हें ज़्यादातर लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, लाहौर में रहते हुए भी बहुत कम लोग जो है वो इन जगहों को विजिट करते हैं। तो अभी ऑन द स्पॉट की टीम जो है वो यहाँ पर आपके लिए आई है, आपको आज विजिट करवाएंगे बारादरी का और दिखाएंगे ये कितनी शानदार जगह और कितना पुरफजा और पुरसकून मकाम है। और लोग बड़ी तादाद में जो है वो इसको विजिट करते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जितनी तादाद में लोगों को आना चाहिए उतनी तादाद में आते नहीं है। तो चलिए आपको विजिट करवाते हैं, बताते हैं इस बारादरी के बारे में, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये कब तामीर हुई, कैसे तामीर हुई, इसका जो है इसमें क्या क्या है और किस तरह के बागात यहाँ पे पाए।
अच्छा नाजरीन, आपको हम विजिट करवा रहे हैं बारादरी का। तो मैं अपने नाजरीन की आसानी के लिए ये बता दूं कि बारादरी दरअसल कहते किसे हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो ये बारादरी जो है वो ऐसी इमारत होती थी जो बादशाहों ने बनवाई, जिनमें 12 दरवाजे रखे जाते थे। अब 12 दरवाजों का मकसद क्या हो सकता है? 12 दरवाजों का मकसद जी हाँ वही होता था जो आप सोच रहे हैं, जो मैं बताने लगा हूँ, कि हवा का बहाव जो है वो आसानी से मुमकिन हो सके। ताज़ा हवाएं जाहिर है सबको चाहिए होती हैं सांस लेने के लिए, घुटन ज़्यादा माहौल में तो कभी भी बादशाह नहीं रहना चाहेंगे। सो उन्होंने इस आसानी के लिए, अपनी राहत के लिए ऐसी इमारतें तामीर करवाईं जिनमें 12 दरवाजे रखे गए, ताकि जिस समत से भी हवा आए हवा का बहाव जो है वो मुमकिन हो सके। तो चलिए, इस बारादरी की खास बात यह है कि यहाँ पे एक दरबार शरीफ भी है, तो हम भी जाहिर है पहली दफ़ा विजिट करने लगे, तो अपने नाजरीन को भी जो है वो दिखाएंगे कि यहाँ पे कौन सा दरबार है। ये दरबार को जा रहा है रास्ता, वाह क्या शानदार रास्ता है। इसके दो रोया जो है वो पौधे हैं, सरसब्ज हैं, और ये दरमियान में से जो है वो मट्टी का कच्चा रास्ता जा रहा है। देखते हैं